इन्हीं मिसरों की रोशनी में अभी रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, बहुत सी बातें होंगी और इन्हीं मिसरों की रोशनी में गुजारिश है प्रोफेसर आले रजा साहब से कि वो तशरीफ आएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। रईस जाफरी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, सुहावल का प्रधान है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम जनाब आले रजा साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सामिन कराम, इससे पहले कि मैं लबकुशाई करूं, तमाम सामिन कराम को इस रजब के महीने में मुसलसल आइमा की आमद है, उस सिलसिले में सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ ये तमाम अराकीन अंजुमन सज्जादिया के काबिल सताइश हैं, मुबारकबाद हैं, जो इस पुराशोभ दौर में जहां शीयत के ख़िलाफ़ पूरी कायनात में आवाज़ बुलंद हो रही है, आज हुसैनियत के परचम को बुलंद किए हुए। अजीज़ान ग्रामी, ये महफिलें हो रही हैं, मजलिसें हो रही हैं, ये सिर्फ तफरी का एक मरकज़ न समझिएगा। और याद रखिए कि करबला से पहले सिर्फ और सिर्फ विलायत अली का मामला था। अगर विलायत अली का मामला ना होता तो बड़ी जिम्मेदारी से इस जुमले को कह रहा हूं कि करबला कभी वजूद में ना आती। आप तफक्कुर करिए, तसख्खुर करिए, अक्ल के नाखून लीजिए, ये विलायत अली का मामला था जो करबला नमूदार हुई। और ये विलायत अली थी जो करबला से शाम तक पहुंची। शाम में किस तरह से सजीद सज्जाद ने विलायत अली की हिफाजत की। आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहां इस महफिलों से, मजलिसों से हम पैगाम लें, विलायत अली साथ साथ हो और उसके साथ अदादारी का सिलसिला हो। अगर सिर्फ अदादारी रही और विलायत अली ना रही तब भी हम मुसलमान नहीं रह जाएंगे, और सिर्फ विलायत अली रही और अदादारी ना रही तो हमारी पहचान बाकी ना रहेगी। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तबलीगाना जुमले हैं, ये तबलीग की बातें हैं। और उस सिलसिले में मैं अर्ज करूं, जहां मुझे दर्द होता है, दर्द पैदा होता है, महसूस करता हूं, यकीनन ये हुसैनी डायस है, हमारे इज्जत माँ अजीजी पैगाम साहब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे सीनियर आदरणीय ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब कमला प्रसाद वर्मा जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और कई एक डिग्री कॉलेजेस के प्रबंधक भी हैं, उस सिलसिले में जहां तमाम अकवाम के लोगों ने इमाम आले मकाम की खिदमत में अशार पेश किए, फराक गोरखपुरी जैसा बैनुल अकवामी शायर कहता है कि काम आ गई फराक मोहब्बत हुसैन की, काम आ गई फराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। ये फराक ने बात कही थी, ये तबलीगाना बातें हैं। मुझे बात याद आती है कि 2014 में इंग्लिश मैगजीन थी द न्यू वर्ल्ड, उसमें सैमुअल टेलर एक क्रिश्चियन था जो कन्वर्टेड एक मुसलमान से पूछ रहा था कि आखिर तुम मुसलमान हो गए, शिया मजहब को तुमने अपनाया। कहा हाँ मैं मुसलमान हो गया, लेकिन उसकी वजह जान लीजिए। कहा क्या है? कहा अकली से अच्छा कायनात में कोई इंसान नहीं है, इसलिए मैं शिया हो गया। लेकिन जब उसने पूछा कि आज बरंदी पर कौन है, उसने कहा 100% क्रिश्चियन। कहा अहले सुन्नत कहाँ है? कहा वो 50%। कहा शिया कहाँ है? कहा 50% का 25%। क्यों ऐसा था? जब इतना अच्छा ये मजहब है, उसकी वजह ये थी कि सुनिए, क्रिश्चियन मिशनरीज जो होती हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो होती हैं, हमसे काबिल बैठे हैं हजरात जिनके अदब पे नजर होगी, जो पढ़ते होंगे, दूसरी लैंग्वेजेस से वाकिफ होंगे, वहां पर यह होता है क्रिश्चियन जो उमूमन, देखिए मैं स्टूडेंट रहा हूँ सेंट थॉमस इंटर कॉलेज शाहगंज का, जहाँ मेरे साथ बहुत से अच्छे लड़के पढ़ते थे। जब उनसे मैंने अकेले में पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहता हरी राम।
किस कौम से हो? कहा गडरिया। कहा क्यों यहाँ आ गए? कहा भूखो मर रहे बाप दादा क्रिश्चियन हो गए। क्रिश्चियन का सबसे पहला मिशन होता है कि जहाँ वो मिशनरीज वो कायम करते हैं, सबसे पहले छोटी सी क्लिनिक बनाते हैं, हॉस्टल बनाते हैं, फिर उनके भूख का मसला हल होता है, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम होता है, फिर उनके खाने का इंतजाम होता है। ये वो चीजें हैं जहाँ दलाई को छोड़ के इंसान कुफर की भूख की वो मंजिल होती है कि कुफर तक इंसान को पहुंचा देती है, लेकिन जब भूख की आग मिट जाती है तो इंसान खुद ब खुद उस मजहब को तस्लीम कर लेता है। कभी कभी हमारी स्पीचेस ऐसी होती हैं, हमारे डायस ऐसे होते हैं, हमारे कलमात ऐसे होते हैं, बगैर फैसला किए हर किसी को अहले बैत का दुश्मन तस्लीम कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुदा नहीं कि सबके दिल की बात रखते हो, ये हमें सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। ये इस तरह से अब वह सिर्फ हम कहते हैं कम टू इस्लाम, इस्लाम की तरफ आओ, इस्लाम की तरफ आओ, हम सिर्फ जबान से नारा लगाते हैं। ये कहते हैं कि चौथे इमाम रात के शब में रोटियां बांटा करते थे, छठे इमाम किया करते थे, सातवें इमाम किया करते थे, इसमें से एक शिया दबा हो के कहे किसी भूखे से पूछा किसने कि तुमने खड़ा किया खे नहीं किया? रसूल इस्लाम जब तबलीग करते थे तो दावत शीरा में सबसे पहले रसूल ने लोगों की दावत दी थी। अहले बैत का ये कमाल था, हजारों बार कहा था भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, तब लोग रसूल की तबलीग करते थे। और लोगों ने पूछा रसूल अकरम ये खाना खा के चले जाते हैं, कहते आज नहीं सुना कल सुन लेगा, आज नहीं सुना कल सुन लेगा, एक दिन ये बात लाएगा। तो हमारा ये किरदार होना चाहिए, अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो उसमें साथ साथ उसमें विलायती अली का मसला भी साथ हो, अदादारी का मसला हो, तब तो हम सच्चे मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। अब एक बार नारे सलवात और दो चार पता था। एक बार और नारे सलवात। इस जश्न के हवाले से बहरहाल एक इद्दत की बात है, मजलिसों महफिलो मजलिस में जो भी आता है वो शाद है, महफिलो मजलिस में जो भी आता है वो शाद है, पुरसुकून है जिंदगी भी और घर आबाद है, पुरसुकून है जिंदगी भी और घर आबाद है। हम अकीदत से मुसलसल जश्न करते हैं बपा, हम अकीदत से मुसलसल जश्न करते हैं बपा, जश्न ज़ैनब ये बनाने सैयद सज्जाद है। हम अकीदत से मुसलसल जश्न करते हैं बपा, हम अकीदत से मुसलसल जश्न करते हैं बपा, जश्ने ज़ैनब ये बनाने सैयद सज्जाद है। और दूसरा शहजादी जनाब ज़ैनब के हवाले से कहा बिन्ने नो सॉरी मर्सिया क्या मैं बताऊं, छबी भाई सरकार मर्सिया क्या मैं बताऊं ज़ैनबो सज्जाद का, मर्सिया क्या मैं बताऊं ज़ैनबो सज्जाद का, बस जो हो खाका दिखाऊं ज़ैनबो सज्जाद का, करबला कर दी मुकम्मल ज़ैनबो सज्जाद ने, करबला कर दी मुकम्मल ज़ैनबो सज्जाद ने, चूम लूं रोज़ा जो पाऊं ज़ैनबो सज्जाद का, चूम लूं रोज़ा जो पाऊं। और कसीदे के सिलसिले में चार पांच शेर, जब किसी ने जिक्र छेड़ा सैयद सज्जाद का, जब किसी ने जिक्र छेड़ा सैयद सज्जाद का, जहन में एक आया खाका सैयद सज्जाद का, जहन में एक आया खाका सैयद सज्जाद का, हमने देखा है यही कैदो मेहन के बावजूद, हमने देखा है यही कैदो मेहन के बावजूद, सब्र से टूटा न रिश्ता सैयद सज्जाद का, सब्र से टूटा न रिश्ता सैयद सज्जाद का, जुल्म से टकराने की जुरत मिली सज्जाद ने, जुल्म से टकराने की जुरत मिली सज्जाद ने, ये कलेजा ये जिगर था सैयद सज्जाद का, ये कलेजा ये जिगर था सैयद सज्जाद का, अब करे कोई इबादत ये मगर रखे ख्याल, अब करे कोई इबादत ये मगर रखे ख्याल, हर इबादत में है चेहरा सैयद सज्जाद का, हर इबादत में है चेहरा सैयद सज्जाद का। शेर पेश कर रहा हूं, करबला से शाम तक हर मोड़ पे देखा गया, करबला से शाम तक हर मोड़ पे देखा गया, आनी था हर इरादा सैयद सज्जाद का, आनी था हर इरादा सैयद सज्जाद का,
तवको बेड़ी में था जकड़ा आबिदे बीमार को, तवको बेड़ी में था जकड़ा सैयद सज्जाद को, हौसला फिर भी न टूटा सैयद सज्जाद का। और करबला हो या हो कूफा या कि शहर शाम हो, करबला हो या कि कूफा या कि शहर शाम हो, अब ये सारा इलाका सैयद सज्जाद का। करबला हो या हो कूफा या कि शहर शाम हो, करबला हो या हो कूफा या कि शहर शाम हो, अब ये सारा इलाका सैयद सज्जाद का। अब मुसीबत में कदम भी डगमगाते हैं नहीं, अब मुसीबत में कदम भी डगमगाते तक नहीं, मिल गया जब से वसीला सैयद सज्जाद का, मिल गया जब से वसीला सैयद सज्जाद का। आखिरी शेर, जंग है करबो बला की नाम सरवर के रजा, जंग है करबो बला की नाम सरवर के रजा, शामो कूफा पर है कब्जा सैयद शामो कूफा पर है कब्जा सैयद सज्जाद का, शामो कूफा पर यही से रब दे दूं दूसरे शायर को, शामो कूफा पर है कब्जा सैयद सज्जाद का, इश्क गरदार तक नहीं पहुंचा शामिये बहनी, मिसरा ज़हन में रखिएगा, शामो कूफा पर है सैयद कब्जा सैयद सज्जाद का, शामो कूफा पर है सैयद कब्जा सैयद सज्जाद का, इश्क गरदार तक नहीं पहुंचा अपने मेयार तक नहीं पहुंचा, शामो कूफा उलट चुके सज्जाद हाथ तलवार तक नहीं पहुंचा। अभी मेरा जलालपुर बेदार नहीं हुआ, शाम कूफा उलट चुके सज्जाद हाथ तलवार तक नहीं पहुंचा, जंजीर में सितम की जो जकड़ा दिलेर है, जालिम भी जानता है कि शेरों का शेर है, जंजीर में सितम की जो जकड़ा दिलेर है, जालिम भी जानता है कि शेरों का शेर है, इसके मुकाबले में तो कौन अंजेर है, ज़ैनब तुम्हारे एक इशारे की देर है, धागों की तरह तोड़ के पेड़ी हदीद की छालों से रान दे ये हुकूमत यज़ीद। यजीद की थागों की तरह तोड़ के बेड़ी हदीद की छालों से रौंदे ये हुकूमत यजीद की। इन्हीं मिसरों की रोशनी में गुजारिश है जनाब रिजवान।